स्वागत है बक्सर संवाद में। मैं हूं अच्युत आनंद। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बक्सर की माटी के लाल प्रशांत किशोर के आह्वान पर पटना के वेटनरी कॉलेज में बिहार के कोने कोने से लाखों लोग पहुंचे थे। प्रशांत किशोर के लिए पहुंचे लोगों को देख ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति में राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। हालांकि इस सभा में शामिल होने के लिए अपने जिला से भी बहुत लोग पटना पहुंचे। हमारे प्रतिनिधि ने कुछ लोगों से बात भी की, देखें यह रिपोर्ट। अभी प्रशांत किशोर जी पार्टी की आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में घोषणा करने जा रहे हैं, क्या सोच है इसको लेकर के आपका? आप तमाम लोग से एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि आप तमाम लोग भी बढ़ चढ़ करके इस बिहार के बदलाव में अपनी भूमिका को निभाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित बदलाव 2025 में होने जा रहा है। क्या एजेंडा रहेगा बदलाव? एजेंडा सबको रोजगार मिलेगा, वो बुजुर्ग को 2000 पेंशन मिलेगा, किसानों को सुख सुविधा मिलेगा, हर सुविधा से लैस हो जाएगा। बिहार जो आज 35 वर्ष से झेल रहा है उससे मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह की चुनावी वादे तो हर कोई करता है लेकिन धरातल पे खरा नहीं उतर रहा है। करते करते सब लोग 35 वर्ष से सत्ता कर किए, एक बार इनको देख कर देखिए। नहीं, हमें नहीं देखना है, आपको जनता में विश्वास आपको दिलाना है कि कैसे आप, क्योंकि जातिगत राजनीति है बिहार में हावी। पूरा देश को दिखा चुके हैं, जो आदमी चर्चा पद पर मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, जो देश को राज कर रहे हैं, वो प्रशांत जी का देन है, देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नहीं, शिक्षा को लेकर के क्या सोच होगी इनकी, कैसे बदलाव लाएंगे? कुछ तो बनाए होंगे ना ये शिक्षा पूरा देश में सुदृढ़ हो। विश्वास है? एकदम निश्चित, ये विश्वास के ही भीड़ दिख रहा है, लोगों को अंदर विश्वास होगा, भीड़ दिखाई दे रहा है। और देखिए मौसम ही बता रहा है। कैसा लग रहा है आज इस अधिवेशन में शामिल होकर के? और किसी की फायदा उठाने के यह सब क्या कुछ दिखा इनमें? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा जो गांधीवादी विचारधारा को लेकर के हम महिलाओं आबादी के अनुसार सहारी की हम आगे आपको मैं बताऊं कि बिहार में बाढ़ है, बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है और जनता को चढ़ा बुखार। नहीं, प्रशांत किशोर जी को रणनीतिकार माना गया है और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया था और भी बहुत सारे पार्टियों को उन्होंने सहयोग करके और चुनाव जिताया, तो और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने दल ज्वाइन करके एक पद भी लिया था, तो उस दल को छोड़ करके और नया दल जन स्वराज की आज उन्होंने घोषणा की है, करने जा रहे हैं, तो क्या जनता विश्वास करेगी एक नए दल के ऊपर? जनता को प्रशांत जी के कौशल, प्रशांत जी की बुद्धि, प्रशांत जी की लगन और आपकी श्रद्धा को देख के आज इंद्र देव भी हम सब खुश हैं। अभी जो चंद्रवादी हमारे पूरी निष्ठा के साथ अपना जो काम कर रही थी और आपका जो भी काम दिया गया तो वो जिस तरह से आप उनका वोटर ट्रैक देखिए, किस तरह से मेहनत ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया, चाहे बीजेपी के साथ भी आए, नीतीश जी के भी साथ आए, जिताने का काम किया, एक बेहतरीन रणनीतिकार के तौर पर हिंदुस्तान के दुनिया के बड़े रणनीतिकार के तौर पर उसने स्थापित किया। और आज प्रशांत किशोर जी पहले पार्टियों को
अभिभावक हमारे गार्जियन हमारे साथ बहने जो भी आए हमारे साथी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके एक प्रयास किया है बिहार को बदलने के लिए, बिहार को बदलने में आपका योगदान देने का जो काम आपको कर रहे हैं इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप तमाम लोगों को सरकार की 1 करोड़ जनता मिलकर जो पार्टी बना रही है एक नई तरह इतिहास रचने का काम करेगी। बिहार देश के अगर कोई 10 राज्य सबकी अंतरात्मा की आवाज होती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जन सुराज स्थापना अधिवेशन में कई गुना ज्यादा होती है। जन सैलाब आपके सामने ये 5,000 लोगों के लिए ये मंच बनाया गया है और जहाँ तक नजर जा रही है इस मंच पे, क्योंकि 2 पार्ट में मंच बनाया गया है, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, मैं पश्चिमी छोर में हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर की इस जनसभा में लोग आए हुए हैं। हमारे साथ बक्सर के भी कुछ साथी हमें दिखे तो हमने सोचा उनसे भी जाने कि क्या सोच रहे, क्योंकि कई दल बदल करके और कुछ लोग दल छोड़ करके आए हुए हैं तो हमारे सामने है अभी अरविंद। हाँ बताइए अरविंद पांडे, क्या सोचे सुराज संविधान में संकल्प वाली पार्टी है और सबसे बड़ी बात है अभी तो इसकी स्थापना हो रही है। आज 2 अक्टूबर को यौन सुराज की स्थापना हो रही है और सबसे बड़ी बात है बिहार में पलायन हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में स्वास्थ्य कमी है, बिहार में शिक्षा का अभाव है और मुख्य रूप से बिहार की व्यवस्था को सुदृढ़ करना जन सुराज की पहली प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी बात इसके लिए है जन सुराज बिहार के बच्चों का भविष्य के लिए पंचायत स्तर से लेकर के हमारे साथ एक सामने रजक जी भी हैं, ये जदयू के पहले कार्यकर्ता हुआ करते थे लेकिन आज ये जन सुराज की इस महाधिवेशन में शामिल हुए हैं। क्या सोच रख रहे हैं अभी, इससे पहले आप जदयू में थे और आज आपको हम देख रहे हैं कि जन स्वराज की कुर्सी और जन स्वराज की दामन थाम चुके हैं, क्या सोच लेकर? देखिए हम लोग बिहार में बड़े भाई छोटे भाई के सरकार में ठगे गए हैं, वहाँ हम लोग ठगे गए हैं, वहाँ हम सुरक्षित महसूस नहीं है, वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए हमको पार्टी जबकि हम बढ़िया वर्कर थे सब काम करते थे, वहाँ एक ही व्यक्ति का राज चलता है, दादा बक्सर जिला में जो कहेंगे वही बक्सर जिला में होगा, वो कार्यकर्ता का महत्व नहीं देते हैं, अपने पिटू कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं प्रसिद्ध नारायण सिंह, इसलिए उनसे हम दुखी होकर मतलब उनका जो सोच है उससे आप दुखी होकर के वशिष्ठ नारायण सिंह जी। और कुछ जन स्वराज हमको भविष्य दिखाई दे रहा है कि बिहार के लिए नई सोच, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, सब समाज के लिए कुछ करने की विचार रख रहा है, इसलिए बिहार की भविष्य या अपना भविष्य? नहीं बिहार के भविष्य अपना नहीं। हमारे साथ और भी दूसरे जिले के भी लोग हैं और आए हुए हैं बड़े ही श्रद्धा भाव से। कहाँ से आए हुए हैं आप? अच्छा क्या नाम हुआ? अच्छा पांडे जी क्या सोच के आज जन स्वराज का दामन आप लोग थामे हुए हैं? देखिए सोच तो जो आज बिहार की जो सोच है वो हमारी सोच है कि व्यवस्था परिवर्तन हो, सत्ता का परिवर्तन हो, प्रशांत किशोर की अगुवाई में सरकार बने और यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा अच्छा हो, उसके बाद आपके पलायन रुके, यहाँ पर
उभरे हुए हैं और धोखा देने के लिए हम लोग हैं। बस इतना ही कहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जदयू छोड़ के दिख रहे हैं इस कुर्सी पे। जाति पात से ऊपर एक बिहार में अलग प्रयोग हुआ है, जिसका आज साक्ष्य मिलने जा रहा है। जब सुना हम ही नहीं, हमारे बड़े भाई क्या हमारे साथी गए बिंदुनाथ रजक जी भी जदयू में थे, और उन्होंने अभी आपसे फोन में बताया है कि वहाँ एक ही आदमी का मकसद जिला में चलता है जो शायद ऐसे लोगों को पार्टी अगर छोड़ दे तो पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन पार्टी पर मेरर बांध के बैठे हुए हैं गली मार के। वही लोग राज्यसभा जाएंगे, वही लोग लोकसभा जाएंगे, और उन्हीं लोगों के वंशज लोग विधानसभा में जाएंगे, तो पार्टी कार्यकर्ता क्या करे, वो कब हो सकते हैं। ऐसे लोगों से उठ के आम कार्यकर्ता भग रहे हैं। शांत जी कह रहे हैं शिक्षा में सुधार करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, ठीक है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि ऐसा कुछ क्या कर देंगे? स्वास्थ्य और शिक्षा कोई भी काम करने से पहले उसका प्लानिंग होता है, और प्लानिंग अगर नियत साफ करके किया जाए, उसका व्यू और उद्देश्य सही हो और सही दिशा में सही परिवर्तन होगा। प्रशांत जी बात सही कह रहे हैं कि पूरा बिहार बदल जाएगा अगर सोच बदलने की हो तो। अगर सोच केवल परिवार तक रह जाए तो बिहार नहीं बदलेगा, अपना परिवार बदल जाएगा। झोपड़ी से आके महल तक बना लेंगे, लेकिन बिहार नहीं। कोई नेता, कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता का बताइए कि बेटा प्राइमरी में पढ़ता हो, सरकारी स्कूल में या हाई स्कूल में, कोई नहीं पढ़ रहा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आप कहाँ से आए हुए हैं? पहली बार ज्ञान की भूमि और इस लोकतंत्र की धरती कांग्रेस पार्टी जो है गांधी जी के माने जाने वाले ऐसे बिहार में एक पार्टी का गठन होने जा रहा है, बिहार में कांग्रेस जो ना किसी मजहब का है और ना किसी जाति का है, इसलिए मैं उनसे एक जनता का है जो जनता मिलके इस पार्टी को गठन कर रहे हैं। जो पैदल चल रहे हैं ये आप सबकी पार्टी है, हम सबकी पार्टी है, और आप लोग शांति बनाए रखिए। और मतलब आनंद मिश्रा साथ हैं इसलिए आनंद में है या जन सुराज सभी के हैं इसलिए मैं उनसे जुड़ गया। एक आज हमारा 2 अक्टूबर का इतिहास रचेगा जो जन सुराज हमारा एक दल बन जाएगा। तो एक बार आप लोग जोर से बोल दीजिए जय बिहार।